उनका व्यवहार चौंकाने वाला है कि आप अंबेडकर की तस्वीर लेकर और जय भीम भी करेंगी और साथ साथ आप एक पाखंड भी का भी पालन करती हुई पब्लिकली नजर आएंगी, तो इसमें आप अंबेडकरवाद को या तो बरत नहीं रही हैं या पाखंडवाद को ही ढंग से नहीं बरत रही। अंबेडकराइट या बाकी लोगों की तरफ से जो अभी जो उनकी क्रिटिक होगी, इस क्रिटिक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी और अल्टीमेटली वो मतलब एक धर्म प्राण शास्त्र को मानने वाली हिंदू के तौर पर वो खुद को इस्टेब्लिश कर लेंगी, जो कि दरअसल वो हैं। बाकी वाला जो है वो उनका असल में मेकअप है। तो जो आदमी मेकअप उतरने के बाद जो रियल होता है वो रियल उन्होंने एक तरह से अपना डिस्प्ले किया उसका। तो आपको अगर खड़ा ही होना है तो अपने लिए खड़े हो, बाकी हर कहीं कभी कभी बैठ जाओ भाई, जब नहीं उन पर बहुत खड़े होते होते थक जाते हो, कभी इसके लिए खड़े कभी उसके लिए खड़े। दोस्तों, द न्यूज़ वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। इस देश में प्रगतिशीलता एक फैशन की तरह है, कुछ लोगों के लिए फैशन की तरह है, वो जब चाहें उसका इस्तेमाल करते हैं और जब चाहें उस लिबास को, प्रगतिशीलता के लिबास को उतार देते हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने शेयर की हैं। उन्होंने अपने घर में एंट्री की और उसका गृह प्रवेश करवाते हुए पूजा पाठ की, उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि आप बार बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगाती हैं, जय भीम का नारा लगाती हैं और जो ये पोगापंथी है उसके खिलाफ भी बोलती हैं, लेकिन फिर जब आपके निजी जीवन में वो पल आते हैं जब आपको वो व्यवहारिक आचरण में वो चीज़ें लेके आनी होती हैं तो फिर आप उसी धड़े की तरफ चली जाती हैं जिसके खिलाफ आप पूरी आवाज़ उठाती हैं। तो इस मसले पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आभार कि आपने इस इम्पोर्टेंट विषय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। जी सर, तो ये सौरभ भास्कर की जब तस्वीरें देखी आपने तो पहला प्रतिक्रिया क्या आई, उन तस्वीरों को देख के कैसा लगा? देखिए, सौरभ भास्कर एक व्यक्ति के तौर पर धर्म को बरतती हैं, धर्म का पालन करती हैं, इससे दुनिया में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वो एक व्यक्ति के तौर पर क्या कर रही हैं वो उनका निजी मामला है और भारतीय संविधान उनको इजाज़त देता है और दुनिया का आमतौर पर ज़्यादातर प्रगतिशील संविधान जो भी है वो इसकी इजाज़त देता है कि धर्म को जैसे भी कोई व्यक्ति बरतना चाहे वो बरते, अनलेस कि वो किसी के स्पेस में इंक्रोच नहीं कर रहा है। तो इस यहाँ तक तो ठीक है कि वो एक धार्मिक आस्थावान हिंदू हैं और गृह प्रवेश की उनकी जो भी विधि है उसका पालन कर रहे हैं। वो कई ब्राह्मणों को बुलाती हैं, उनके सामने वो एक विनीत भाव में खड़ी हैं, वो जो बोल रही कर रही हैं, शास्त्र वो पढ़कर पंडित सुना रहा है उसको बोल रही हैं, इस तरह के दृश्य उन्होंने डाले हैं। लेकिन एक तो इसमें देखिए, एक तो कि उन्होंने इसको सार्वजनिक एक डिस्प्ले किया है, भाई मेरी धर्म निजी आस्था है तो मैं इसका आमतौर पर सार्वजनिक डिस्प्ले नहीं करूंगा। मैं निजी तौर पर क्या धर्म कर रहा हूँ, मैं सुबह उठ के सूर्य को पानी चढ़ा रहा हूँ या बुद्ध की वंदना कर रहा हूँ, ये निजी मामला है। लेकिन ये निजी मामला नहीं है, तो एक तो फर्स्ट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उन्होंने इसका एक पब्लिक डिस्प्ले किया। दूसरी समस्या ये है कि स्वरा भास्कर ने एक पब्लिक लाइफ में अपनी एक इमेज और इम्प्रेशन क्रिएट की है जो कि बहुत एग्रेसिवली सेकुलर, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट और जो क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह के साथ जुड़ाव और फिर वो JNU और जय भीम और मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी वाली एक इमेज उन्होंने क्रिएट की है और ख़ास करके जो लेफ्ट मूवमेंट है उसके मंच पर चढ़ना और जो दलित मूवमेंट है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, जो शेड्यूल कास्ट और बाकी लोगों के मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट है, उसमें भी खुद को मंच से डिस्प्ले करना, तो ये दो चीज़ें दरअसल मुझे लग रहा है कि जब दोनों को साथ साथ रख रहे हैं तब प्रॉब्लम है। निजी तौर पर वो कुछ भी करें हमें क्या लेना देना, भाई मैं निजी तौर पर क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, किस देवता की पूजा कर रहा हूँ, जब तक पब्लिक में वो डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ तब तक समस्या नहीं है, और पब्लिक में डिस्प्ले कर रहा हूँ तब भी प्रदर्शन में प्रॉब्लम नहीं जब तक कि वो मेरे किसी और व्यवहार के साथ अंतर विरोध में नहीं है। तो ये दो व्यवहार उनके अंतर विरोधी हैं, ये इसीलिए मुझे लगता है कि उनका व्यवहार चौंकाने वाला है कि आप अंबेडकर की तस्वीर लेकर और जय भीम भी करेंगी और साथ साथ आप एक पाखंड भी का भी पालन करती हुई पब्लिकली नजर आएंगी। तो इसमें आप अंबेडकरवाद को या तो बरत नहीं रही हैं या पाखंडवाद को ही ढंग से नहीं बरत रही, दोनों में से दोनों में से एक चीज तो झूठी है, दोनों में से कोई एक चीज झूठी है। और आपने चुना कि आप जो अंबेडकर आइडिया है वो आप उसको अपने ड्रेस की तरह पहना और जब आपको सुविधाजनक लगा तो उस ड्रेस को आपने उतार कर आप अपने रियल सेल्फ में आ गई। तो ये एक तरह से एक स्ट्रेटजिक मॉडर्निटी है जो बहुत एक जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए दोहरापन या दोगलापन या बास्टर्ड मॉडर्निटी जिसको बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं,
कि आप सिएटल जाएंगे और कैलिफोर्निया में आप एक आईटी कंपनी में काम करेंगे और शादी करने के लिए गोत्र और जाति देखकर शादी करने के लिए आप वापस आएंगे और अपने बच्चे का उपनयन संस्कार कराने के लिए भारत लौटेंगे। तो ये दो चीज़ें आप साथ साथ बरतते हैं। तो ये जो एक प्रोफेसर एडवर्ड रॉड्रिग्स अच्छे बड़े सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उनका ये उनकी स्थापना है कि भारत में मॉडर्निटी जो है वो कभी आई नहीं, क्योंकि मॉडर्निटी जो है वो परंपरा के साथ ब्रेक है कि मैं यहाँ तक मॉडर्न परंपरा में था, अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ और मॉडर्निटी में जा रहा हूँ। तो जैसे यूरोपियन कॉन्सेप्ट है मॉडर्निटी बेसिकली, तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि चर्च का पब्लिक लाइफ से उसकी विदाई, खास करके राजकाज में चर्च की विदाई और एक आधुनिक शासन प्रणाली में प्रवेश और आधुनिक उत्पादन प्रणाली में प्रवेश, ये मॉडर्निटी है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो मॉडर्निटी है ये बहुत नकली किस्म की मॉडर्निटी है, जबकि आप इसमें अब बाबा साहब को जब आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन दरअसल आपने बाबा साहब को भी अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब तो इन धर्म पाखंड और शास्त्रीय जो शास्त्र हैं इनको तो बहुत क्रिटिकल हैं। बाबा साहब को जो जिसने बेसिकली 10 पन्ना भी पढ़ा होगा वो एक साथ कैसे बाबा साहब का पब्लिक डिस्प्ले भी करेगा और ये बहुत मतलब उन्होंने, मुझे लगता है कि बाबा साहब को या तो पढ़ा नहीं है और वो एक छवि निर्माण के लिए ही वो तमाम उन प्रतीकों का इस्तेमाल करती हैं। वही एक्चुअली मुझे वो लग रहा है कि आप क्योंकि एक शो बिजनेस के अंदर वो हैं और इस नाते चर्चा में रहने की उनकी एक ज़रूरत भी है, मजबूरी भी हो सकती है कि आप चर्चा में रहें तमाम कारणों से। कई बार आदमी अपने आर्ट क्राफ्ट की वजह से चर्चा में रहता है, कई बार उसके इतर भी चर्चा बटोरनी पड़ती है। तो वो मुझे लग रहा है कि उनका स्ट्रेटजिक है, जब वो कम्युनिस्ट किस्म के नारे लगाएंगी या अम्बेडकरवाद को अपनाते हुए नजर आएंगी, तो ये उनकी बहुत स्ट्रेटजिक मतलब मुझे लगता है कि कार्य है। और इसकी वजह से चूंकि वो एक छोर पे गिनी जाने लगी हैं, इस समय शायद उन्होंने अपने करियर में चुना होगा कि मुझे एक सर्व स्वीकार्यता के लिए इधर से तो मैंने जो एक तरह से गार्नर करना था, जो लेना था वो ले लिया है, अब मैं अपने मूल स्पेस में लौटती हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा कोई बड़ा फिर जो स्पेस है वो नहीं बन पा रहा है। तो वो एक स्ट्रेटजिक मुझे लगता है कि ये फोटो भी डालना, आमतौर पर देखिए कितने स्वरा भास्कर कोई टॉप की 50-60 हीरोइन हीरो में तो नहीं है, उसके नीचे ही कहीं होंगी। तो 100-200 अगर फिल्मकारों की लिस्ट में या 500 फिल्मकारों फिल्म में काम करने वालों की लिस्ट में कहीं पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसमें से कितने लोग अपने गृह प्रवेश की इस तरह की तस्वीर डालते हैं। भाई मैंने एक नया घर लिया, मैं बालकनी में कॉफ़ी पीते हुए भी तो एक घर का एक स्नैपशॉट दिखा सकता हूँ कि दिस इज माय न्यू हाउस एंड आई हैव एंटर्ड दिस हाउस। उन्होंने बहुत पार्टिकुलरली ऐसी तस्वीरों को चुना, तो कहीं ये तो नहीं है कि वो जो जिस एक विचारधारा की वो मुखालफत करके एक अम्बेडकरवादी कम्युनिस्ट या फिर प्रोग्रेसिव छवि बनाई, अब वो दूसरे धड़े उस धड़े को खुश करना चाहती है। लग रहा है कि दरअसल यही हो रहा है, ये कोई क्योंकि वो अब शो बिजनेस में है, उनका पीआर है, कोई भी चीज़ वो अपने इंपल्स से नहीं वो सोशल मीडिया में डाल रही होंगी, जो भी डाल रही हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होगी, कोई रणनीति होगी, कोई सोच होगी। तो क्या सोच होगी, अगर मैं उनके माइंड स्पेस में प्रवेश करके उनको देखने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है कि उनका जो जिस स्पेस को वो एक्वायर करने की अब कोशिश कर रही हैं वो एक जो उनका एक नैरो स्पेस में वो चली गई थी, ऐसा उनको लग रहा होगा कि मैं एक बहुत प्रगतिशील टाइप का, बहुत एक्टिविस्ट टाइप का एक मेरी विजिबल इमेज, एक इम्प्रेशन बन रहा है, तो मुझे अब इसको झटक देना चाहिए क्योंकि ये मुझे एक स्पेस में से एक्स्ट्रा नहीं ले जा रहा है। तो ये अब उनको उन्होंने इसको अडॉप्ट किया होगा कि अब इसको मैं अपना एक ट्रांजिशन लेती हूँ, तो वो ट्रांजिशन अपने आप मुझे लगता है बहुत सोचा समझा हुआ होगा। मतलब ये दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये सुविधा जो है सर कि मैं जब चाहे प्रोग्रेसिव बन जाऊं, जब चाहे मैं अपना धर्म या अपनी पहचान, अपनी जातीय पहचान को भी अपहरण कर ले, उसको बड़ा और वो प्राउडली बहुत उसको शोकेस भी करते हैं, तो ये इजी है, ये इजी है, तो ये सुविधा सर हमारे पास तो नहीं है, ये उन्हीं के पास। नहीं, ये सुविधा देखिए इनके लिए बहुत अजीब तरह की एक इनको एक वो प्रिविलेज है कि आप सिर्फ एक सभा में उठकर जब ही बोल देते हैं तो आप प्रगतिशील गिन लिए जाते हैं,
बाकी जीवन में आप निजी तौर पर बहुत ही घनघोर कास्टिस्ट बने रहिए, घनघोर रूप से पाखंडी बने रहिए, पोंगा पंथ को आगे बढ़ाइए, और उसका ये दो पहचान आप साथ साथ कैरी कर पा रही हैं बहुत सुविधा के साथ। और जैसे ये एक्चुअली इंडियन मॉडर्निटी की भी प्रॉब्लम है असल में। देखिए जैसे मॉडर्निटी क्या होती है, जैसे आप यूरोप या अमेरिका में किसी से पूछेंगे आपका कि आपका गांव कहाँ है, तो ज़्यादातर लोग बोल पाएंगे नहीं हमारा कोई गांव नहीं है, मतलब हम शहर में आ गए अब इसके गांव में पीछे कहाँ, हम कभी गए नहीं वहाँ, कोई देखा नहीं। भारत में ये होता है जैसे आप देखिए कि एक बॉम्बे में जो कपड़ा मिल वर्कर्स की स्टडी हुई, डॉक्टर धनागरे की स्टडी है कि जब वहाँ पर कपड़ा मिल मजदूर आए तो जो आंदोलन वगैरह करने लगे, हड़ताल वगैरह हुई, तो उन्होंने वो अलग अलग जगह खड़े हुए, मतलब एक साथ खड़े भी नहीं हुए। और कपड़ा मिल बहुत एक तरह से मॉडर्निटी असर हो रही जिसके साथ, तो उसमें भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर सुई का धागा मुँह में लेकर लगाना पड़ता है, उस डिपार्टमेंट में कोई दलित ना हो इंश्योर किया गया सारे कपड़ा मिलों में। तो ये जो देखिए आप सबसे आधुनिक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय की, एक जो कपड़ा बुनने के साथ साथ आपको उसमें मोटर है, इलेक्ट्रिक है, सब कुछ सारा कुछ मॉडर्न आ रहा है, आपकी मशीनें उस समय विदेश से बनकर आ रही हैं, लेकिन जब आपका भारत में आकर जब वो एक इंडियन सोशल सिस्टम के अंदर वही चीज़ जब घुसती है तो वो अपनी सारी विकृतियाँ और विरूपताएँ साथ लेकर चलती हैं। तो ये असल में पूरा जो भारत की मॉडर्निटी है वो वही अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक, बहुत भयानक रूप से वो समस्या मूलक है। और इसका मैनिफेस्टेशन असल में स्वरा भास्कर कर रहे हैं। स्वरा भास्कर अपने आप में कोई अलग से उन्होंने ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, जैसे कि आप वो प्रोफेसर मैनेजर पांडे यहाँ जन संस्कृति मंच के अध्यक्ष, सबसे बड़े मार्क्सिस्ट और वगैरह वगैरह, लेकिन वो थीसिस किस पे लिखेंगे, सूरदास पे, और घर जाएंगे तो फिर वो सारे पाखंड करेंगे और उसकी फोटो भी डालेंगे। तो ये या नामवर सिंह निजी जीवन में बहुत प्रगतिशील, बहुत महान, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या इंक्लूड कराएंगे, छठी क्लास के टेक्स्ट बुक में वो रामकथा डलवा देंगे एनसीईआरटी में, जब वो चेयरपर्सन या सलाहकार बोर्ड के चेयरपर्सन थे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। तो ये असल में इन बहुत बहुत ही कन्वीनियंट है, मतलब आप समझिए ना कितना इजी है एक आदमी के लिए कि वो इतनी सहजता के साथ वो प्रोग्रेसिव भी बन जाता है और पाखंडी भी रह जाता है, मतलब ये और ये दोनों पहचान को साथ साथ कैरी कर लेता है। ये कितना बड़ा प्रिविलेज है, और इस प्रिविलेज का इस्तेमाल मेरे ख्याल से स्वरा भास्कर ने किया। स्वरा भास्कर का निजी तौर पर देखिए उसका कोई मतलब क्रिटिक नहीं होता अगर वो भाई आप किसी आंदोलन की समर्थक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंच पर आपको चढ़ने की क्या क्या जल्दी मची हुई है, क्यों आप क्यों स्टेज वहाँ लेना चाह रही हैं भाई, समर्थन आपको जैसे गेल अम्बेट मैम ने इतने सारे आंदोलनों में शिरकत की, लेकिन वो आंदोलन की नेता के तौर पर तो उन्होंने खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया जी। उन्होंने जिस आंदोलन के जो नेता थे शरद पाटिल या जो भी आपको वो नेता नजर आए, उन्होंने जो किया, लेकिन वही आप मेधा पाटकर को देखिए भाई, मेधा पाटकर से पहले नर्मदा में आंदोलन तो चल ही रहा था जब विस्थापन खिलाफ वहाँ के ट्राइबल्स वगैरह आंदोलन करते थे, उनके अपने नेता थे, लेकिन मेधा पाटकर की जो एंट्री होती है तो उसके सारी लाइमलाइट वो खुद ले लेती हैं, मंचों पे कब्जा कर लेते हैं, और वो सारे लगता है कि नर्मदा बचाओ का आंदोलन, नर्मदा के विस्थापितों का आंदोलन है जो आपने लीड किया, उसके बाद आपको मैग्सेसे अवार्ड आप ले लेती हैं, सारी दुनिया में आपका एनजीओ चल जाता है, आपको मतलब इतने सारे रिसोर्स मिल जाते हैं, और आपको एक तरह से वर्ल्ड बैंक का जो एजेंडा था कि विस्थापितों को भी बसाना चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, अल्टीमेटली तो आप यही कर रही थी, इसलिए आपको मीडिया में बेहिसाब स्पेस सब कुछ मिल जाता है, और आप उस स्पेस को लेते हैं, और आपको आज की तारीख में आप नर्मदा आंदोलन की कौन नेता है गूगल पर डालिएगा तो सबसे ऊपर नर्मदा उनका नाम आ जाएगा, जबकि उससे पहले का वो चलता हुआ आंदोलन था जी, यू वेर लेट एंट्रेंट, उस आंदोलन में आपको लेट से आप आती हैं और आते ही सारा कुछ आपके अपने इर्द गिर्द बना लेती हैं और इसको होने देती हैं। अगर आप चाहती हैं तो आपके ऐसी चॉइस थी कि आप थोड़ा सा खुद को पीछे रखते, मंच पर किसी और को भेजते, आपको अमेरिका में एक प्रतिनिधि भेजना था तो आप एक ट्राइबल को भेजते, चाहे उसका अनुवाद वो वहाँ करता, अमेरिका में तो ये रिवाज भी है कि आप किसी भी भाषा में बोलिए अनुवाद होता, लेकिन सारे मंच आपने लिए, आपने क्यों जब आपको मैग्सेसे दिया जा रहा था तो आप बोलते भाई ये आंदोलन मैंने तो किया नहीं, शुरू नहीं किया, ये इनका आंदोलन है इनको दो, सब कुछ आपने लिया, सब कुछ आप ग्रैब कर रही हैं, और आप क्योंकि आपका एक प्रिविलेज है
क्योंकि आप एक संभ्रांत परिवार से आ रही हैं, अमीर ब्राह्मण परिवार से हैं, तो सारा कुछ आपने ग्रैब कर लिया, उस पूरे आंदोलन की लाइमलाइट आपने ले ली और अल्टीमेटली उस आंदोलन ने कुछ डिलीवर भी नहीं किया जी, और वो डैम भी बना, सब कुछ हुआ। और कोई जब हम देखते हैं सर कि जैसे जाति का सवाल आता है या बहुजनों से जुड़ा हुआ मसले का सवाल आता है, उस पर एकदम कन्नी काट लेंगे, उसके डिस्कोर्स को उसको गायब कर देंगे। अभी रिसेंटली जैसे सौरभ भास्कर ने अभी नांगल में जो बच्ची के साथ एक वारदात हुई, इसके बाद यूएन को चिट्ठी लिखी गई, सूरज बोध ने उनको चिट्ठी लिखी, उसके बाद उन्होंने खुलेआम उसका इजहार किया कि हमारा इंटरनल मामला है, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि ह्यूमन राइट जो है वो किसी देश का इंटरनल मामला कैसे हो सकता है? ह्यूमन राइट इज अ ग्लोबल इशू, वरना आपको यूएन का ह्यूमन राइट कमीशन ही क्यों बनता अगर वो नेशनल इशू था, और भारत यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का में साइन क्यों करता जी। तो ह्यूमन राइट तो ग्लोबल इशू है, इस तरह के इशूज तो जाएंगे विदेश में जाएंगे, अमेरिका भी जाएगा और यूएन में भी जाएगा, तो इसका विरोध खुद भी लिखती हैं सर ट्विटर पे, जैसे अफगान इशू है, म्यांमार इशू है, महिलाओं के अधिकार पे वो लिखती हैं, लेकिन जाति के सवाल पे वो सीरिया फिलिस्तीन करते रहेंगे, और ये और इस इशू पर उनकी आपकी कास्ट सेंसस पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। आपको बैकलॉग भरने पर आप उनसे बुलवा लीजिए, आप उनसे ये कहवा लीजिए कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है उनको आबादी के अनुपात में मिलना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। बस आपको स्टेज ग्रैब करना है, इनके बीच में एक्सेप्टेंस लेनी है और वहाँ जाकर आपको अपना बिजनेस करना है। तो ये स्ट्रेटजिक तौर पर, बहुत रणनीतिक तौर पर ये काम हो रहा है। तो स्वरा भास्कर अब ठीक है कि थोड़ा सा ये है कि अब सोशल मीडिया वगैरह की वजह से कई सारी चालाकियाँ पकड़ी जा रही हैं और उस पर बात हो रही है, और लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब रहेंगे कि वो हिंदू फोल्ड में फिर से एक्सेप्टेड हो जाएंगे, क्योंकि अम्बेडकराइट या बाकी लोगों की तरफ से जो अभी जो उनकी क्रिटिक होगी, इस क्रिटिक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली वो मतलब एक धर्म प्राण शास्त्र को मानने वाली हिंदू के तौर पर वो खुद को एस्टेब्लिश कर लेंगी, जो कि दरअसल वो हैं। बाकी वाला जो है वो उनका असल में मेकअप है, तो जो आदमी मेकअप उतरने के बाद जो रियल होता है वो रियल उन्होंने एक तरह से अपना डिस्प्ले किया उसका। सर आखिरी सवाल मेरा कि सौरभ भास्कर जैसे, संकेत उपाध्याय जैसे, या तमाम इस तरह के जो लोग हैं, जब भी कोई बात आती है सरकारी तरफ से या कुछ उनके ऊपर कोई आलोचना हो जाए या कोई बात हो जाए, तो हम बहुजन समाज जो है बहुत भावुकता से आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट करने लगता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सोचें? ऐसा है कि उनको कुछ नहीं बिगड़ना, अरुंधति राय को आपको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलती हैं, कुछ लगता है ऐसा, तो उनका कुछ हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला। राम गुहा का कुछ होने वाला है क्या? मतलब इवन फॉर दैट मैटर आपको ये जो पूरे एक क्लास है जो इंडिया का इलीट है, इसका आज तक कभी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई। आपको देखिए ना, रोहित वेमुला ही मरा ना जी। अल्टीमेटली जो एंटी कास्ट स्ट्रगल है वो, बाकी मनुवाद से आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग तो उनकी पेंगुइन में किताब छप गई, वो कभी उस साइकिल को सांसद बन जाए, वो विदेश में भी चले जाएँ, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो आपको अगर खड़ा ही होना है तो अपने लिए खड़े हो, बाकी हर कहीं कभी कभी बैठ जाओ भाई, जब नहीं उन पर बहुत खड़े होते हो तो थक जाते हो, कभी इसके लिए खड़े कभी उसके लिए खड़े, तो मतलब ज़्यादा खड़ा होने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे पर आवाज़ किसकी है। मतलब ये सवाल कितना अश्लील है कि कैन सबाल्टर्न स्पीक, दे कैन स्पीक, दे आर स्पीकिंग, मतलब यू आर नॉट पासिंग द माइक, और वो अपना माइक अब छीन रहे हैं। तो अब वो चूंकि बोल रहे हैं तो आप अपने लिए खड़े हो जाइए, मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब, जिन्होंने कहा कि आप पहचानिए कि आपके मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को आवाज़ कौन दे रहा है और उस आवाज़ का इस्तेमाल किस छवि के लिए हो रहा है, किस फायदे के लिए हो रहा है, ये समझने की बात है। ये वीडियो मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ और इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आशिक कुमार। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर आप भी कह दीजिए। जी मुझे लगता है कि बिल्कुल इस समय आपको नीचे एक जो शेयर का बटन है उसको बिल्कुल आप शेयर करें, और ये वो आवाज़ है जो आपकी बात भी है और आपके जैसे लोग बोल रहे हैं, तो इसमें जो ऑथेंटिसिटी है, जो विश्वसनीयता है, ये आपको जो नकली आवाज़ें हैं वहाँ पर नहीं मिलेंगी, और ये मतलब आपको ये इसमें वो दोहरापन भी नहीं मिलेगा जिसको बहुत सारे लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं।